दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको लेफ्टिनेंट किरण शेखावत के बारे में बताने जा रहे हैं, जो देश के लिए शहीद होने वाली पहली महिला सैनिक थी। आज भी हमारे समाज में महिलाओं को वो सम्मान और वो आज़ादी नहीं मिल पाई है जिसके वो सपने देखती है। लेकिन जिन्हें भी ऐसा मौका मिलता है, वो इसमें कुछ ऐसा कर गुजरती है कि इतिहास बन जाता है और उनकी उड़ान इतनी ऊंची होती है कि फिर कोई उनका पर नहीं काट सकता। आज हम आपको एक ऐसी ही बेटी की कहानी बताने जा रहे हैं, जिसने दुनिया भर की तमाम बेटियों को ये प्रेरणा दी है कि अगर उन्हें बांधा न जाए तो फिर उनकी उड़ान बहुत ऊंची होगी। आइए आपको ऐसी ही एक बेटी के बारे में बताते हैं। वैसे तो हमारे देश में कई वीरांगनाओं ने अपने प्राण निछावर किए हैं, लेकिन देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए किसी बेटी के साथ ये शब्द आज तक नहीं जुड़ा था और शायद कभी कोई इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। ये साल 2015 की बात है, जब राजस्थान की एक बेटी ने बेटियों को शहीद होने का दर्जा दिला दिया। हम राजस्थान के झुंझुनू जिले के सेफरा गुवार गाँव के रहने वाले विजेंद्र सिंह शेखावत की बात कर रहे हैं, जो कि कभी भारतीय नौसेना में लेफ्टिनेंट हुआ करते थे। उनके घर में एक बेटी का जन्म होता है, लेकिन इस बेटी के जन्म के बाद शायद उनके माँ बाप ने भी ये नहीं सोचा होगा कि वो आगे नौसेना में भर्ती होगी, क्योंकि इससे पहले केवल पुरुषों को ही इसके काबिल समझा जाता था। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ वक्त को पता था कि ये बिटिया अपने पिता की तरह ही बहादुर बनेगी और नौसेना में भर्ती होगी। उस बिटिया का नाम इसलिए किरण रखा गया, जो अंधेरे के जाने और रोशनी के आने की उम्मीद होती है। इस बच्ची ने विशाखापट्टनम के केंद्रीय विद्यालय से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की और फिर साइंस विषय से ग्रेजुएशन किया। बचपन से ही इन्होंने अपने आप को इस तरह से ढाला कि आगे चलकर उन्हें नौसेना में जाने में कोई दिक्कत ना हो। इससे पहले उन्होंने प्राइवेट बैंक में नौकरी भी की और 2010 में किरण ANI के लिए चुनी गई तथा उनकी पोस्टिंग केरल के भारतीय नौसेना अकेडमी एझिमाला में हुई। इसी तरह समय गुजरता गया और फिर किरण को विवेक सिंह के रूप में एक अच्छा जीवन साथी मिला, जो खुद भी नौसैनिक थे। शादी के बाद किरण पूरी तरह से नौसैनिकों के परिवार की हो चुकी थी, क्योंकि उनके ससुर भी नौसेना में थे और उनके साथ पूरा परिवार था। 5 जुलाई 2010 को किरण ने इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन ज्वाइन किया था। अपने 5 साल के करियर में वो देश के कई नेवल स्टेशनों पर पोस्टेड रही। उनकी अंतिम पोस्टिंग गोवा में बताई जाती है, लेकिन उनके जीवन में एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ तबाह कर दिया और उनके सारे सपने चकनाचूर हो गए। 24 मार्च 2015 की बात है, जब वो डॉर्नियर विमान में सवार हुई थी। ये विमान गोवा में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इतनी बुरी तरह से दुर्घटना हुई कि 2 दिनों तक किरण का कोई अता पता नहीं चल पाया। बाद में उनका शव बरामद हुआ, जिसके बाद उनके पार्थिव शरीर को ससुराल लाया गया। कुछ इस तरह 22 साल की उम्र में नौसेना में भर्ती होने वाली किरण शहीद होने वाली पहली सैनिक बनी, जिन्हें हर किसी ने भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी, क्योंकि उनके हौसले और उनके जज्बात को हर कोई सलाम कर रहा था। किरण का असली सम्मान ये है कि उन्हें हमेशा याद रखा जाए। ऐसी और जानकारी के लिए देखते रहें achhaji.com।